नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 अक्टूबर 2022 की आपके राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आपका आज का दिन, क्या कहते हैं ग्रह सितारे, जानेंगे पूरे विस्तार से। शुरुआत करते हैं बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों, आपको एक जिंदगी मिली है, उसे व्यर्थ की चिंता और कामों में नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि आप अपने दिल की बातों को सुने। किसी के द्वारा लूटा जाना या किसी के अन्याय के शिकार होना अपने आप में इतना कष्टदायक नहीं होता है जितना कि उसे मन में बार बार लाकर अंदर ही अंदर जलती रहना। कर्जा लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कर्ज के पेशे से अय्याशी करना बहुत बुरी बात है, क्योंकि कर्ज के कारण चिंता, चिंता के कारण रोग, इस तरह से पूरे जीवन नष्ट हो जाता है। धन की बचत करनी चाहिए, यह सही बात है, किंतु स्वास्थ्य को खोकर धन की बचत करना और भी नुकसान होता है। आपके द्वारा बचत सारा धन बीमारियों के इलाज में खर्च हो जाता है, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है, इस बात का भी ध्यान रखें। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और उनके लिए कमेंट बॉक्स में दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज का पंचांग, आए दिन रविवार 9 अक्टूबर 2022, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि, रात्रि की प्रातः काल 2:24 रहेगा, उसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र शाम के 4:20 रहेगा, उसके उपरांत रेवती नाम का नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, योग की बात करें तो ध्रुव नाम का शुभ योग शाम के 6:36 रहेगा, उसके उपरांत इस दिन व्याघात नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। इस दिन राहु काल के समय की बात करें अर्थात दिन के अशुभ समय की, यह समय आप कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्य को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 4:35 लेकर शाम के 6:03 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन मीन राशि पर संचार करेंगे। दिन के अभिजीत मुहूर्त की बात करें अर्थात शुभ समय की, तो यह समय रहेगा सुबह के 11:50 लेकर दोपहर के 12:37 तक। यश में आप सभी शुभ कार्यों को कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन शरद पूर्णिमा का दिन है, तो आइए दोस्तों इसके साथ बात करते हैं ये जो ग्रहों की स्थिति है और चंद्रमा का जो गोचर है आपकी राशि पर क्या क्या प्रभाव लेकर आती है। यश में आपका लव लाइफ, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेगी, जानेंगे पूरे विस्तार से। तो आइए दोस्तों बात करते हैं धनी राशि फल। दोस्तों, यश में व्यवस्था के बावजूद भी कुछ समय अपने मित्रों व फिर रिश्तेदारों के लिए अवश्य निकालें, इसे दोस्तों आपसी संबंध और अधिक मजबूत होंगे। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद और लाभदायक रहने वाली है, और इसके उपरांत दोस्तों यश में शारीरिक रूप से आप बहुत ही ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके साथ दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में बदलते ग्रहों की चाल के कारण आपको कोई अप्रिय समाचार मिलने के संकेत भी मिल रहे हैं। आपको बता दें, इनकी वजह से कोई भय अथवा अस्वाद जैसी बातें आपके मन मस्तिष्क पर हावी हो सकती है। कुछ समय आत्मचिंतन व फिर आध्यात्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको सुकून मिलेगा। तो दोस्तों यश में इनका आप ध्यान रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि आप अपनी योजना के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी दोस्तों किसी बात में प्रगति नजर न आना आपके लिए तकलीफदायक हो रहा है। जीवन में प्रगति पाने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बाकी भी बातें उतनी ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए दोस्तों अपनी मेहनत और विश्वास को कायम रखकर ही आप आगे बढ़ते रहें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करने से आपका जो दिन है वह स्थित रूप से व्यतीत होगा। कोई उधार दिया हुआ पैसा भी आपको इसमें वापस मिलने की संभावना बन रही है। विद्यार्थी तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहेंगे। कुछ समय अपने व्यक्तिगत पसंदीदा कार्यों में भी अवश्य व्यतीत करें, इसे दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके उपरांत यह समय सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से दूर ही रहें, क्योंकि दोस्तों इनमें समय व्यर्थ करना आपके लिए बहुत ही मानहानि का कारण होगा, मानहानि की स्थिति भी इनमें बढ़ सकती है। मित्रों से किसी भी प्रकार के सहयोग का उम्मीद ना रखें, ससुराल पक्ष से संबंध मधुर बनाकर रखें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपको बता दें कि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो सकता है। खुद के द्वारा हुई गलतियां मानकर उनसे मिली सीख लें, नए काम की शुरुआत करें। परिवार के हर व्यक्ति पर नियंत्रण रखने की आपकी जो जिद है, यह समय परिवार और आपको दोनों को तकलीफ दे सकती है।
और उसके उपरांत दोस्तों यशो में आपके लिए जो सब होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों आपका संतुलित तथा स्वाभिमानी व्यक्तित्व आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। किसी अनुभवी व्यक्ति या फिर जिम्मेदार व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। इसलिए दोस्तों समय का भरपूर सदुपयोग करें। विद्यार्थी भी अपने अध्ययन के प्रति पूरी फोकस रखें और इसके उपरांत दोस्तों कोई भी नया निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी तरह जांच पड़ताल अवश्य करें। आपका जो कोई नज़दीकी व्यक्ति ही आपको लक्ष्यों से भटका सकता है, तो इस बात का ध्यान रहे। इसलिए दोस्तों किसी पर भी विश्वास करने से पहले स्वयं भी उनके ऊपर सोच समझ कर विचार कर लें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों परिवार में विवाह योग्य व्यक्ति के लिए विवाह संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है और दोस्तों आनंद का वातावरण भी निश्चय बना रहेगा। रिश्तेदारों के साथ काफ़ी दिनों के बाद मेल जो भी बढ़ेगा। व्यापारियों को व्यापार में वृद्धि नजर आ रही है। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी सकारात्मक निर्णय यश में हो सकता है। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों यश में ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। रुके हुए कार्यों में भी गति आने वाली है, परंतु यश में पिछले कुछ कमियों को से सीखकर आगे बढ़ने का भी समय होगा। प्रतिष्ठित लोगों के साथ मेल मुलाकात भी लाभदायक और सम्मानजनक साबित होंगे तथा आप अपनी उचित विश्वास के साथ नई शुरुआत भी कर सकते हैं। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखें। दोस्तों यश में घर के बुजुर्गों का सलाह आपके लिए अच्छा रहेगा। यश में किसी भी प्रकार की यात्रा के लिए नुकसानदायक समय होगा, तो दोस्तों यश में इनसे बचने की प्रयास करें। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि परिस्थिति उतना आपके पक्ष में नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। इसलिए दोस्तों यश में हर बात में या फिर निर्णय लेते समय ध्यानपूर्वक आपको सोचने की आवश्यकता होगी। यश में आपको अधिक फायदा तो प्राप्त नहीं होगा, फिर भी हो रहे नुकसान को टाला भी जा सकता है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन महसूस होगा, इसलिए दोस्तों कम से कम लोगों के संपर्क में रहने का प्रयास करें। ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें, अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों यश में पार्टनरशिप संबंधी गतिविधियां लाभदायक रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। नौकरी में पदोन्नति अथवा वेतन वृद्धि की संभावना बन रही है। इसलिए दोस्तों अपने कार्यों को पूरी जो है मनोयोग द्वारा संपन्न करें, ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगी, आपको बता दें कि दोस्तों व्यवसाय की परिस्थितियां समान ही रहने वाली है, परंतु कोई नया प्रोजेक्ट या फिर काम से संबंधित योजनाएं भी बना सकते हैं। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में आपको पारदर्शिता रखना भी जरूरी होगा। पिछले कुछ समय से चल रहे मतभेद दूर होंगे तथा संबंधों में फिर से सुधार आएगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि व्यवसाय के क्षेत्र में अपने हिसाब किताब को पारदर्शी रखें तथा टैक्स संबंधी सभी फाइलों को भी आप जो है कंप्लीट रखना आपके लिए जरूरी होगा। आपको बता दें कि स्टाफ तथा कर्मचारियों का कार्य क्षेत्र में सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा, परंतु यह समय व्यवसाय संबंधी कोई भी नया योजना भी ना बनाएं, ये आपके करियर के लिए इसमें बेहतर साबित होंगी। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि मशीनरी आदि से जुड़े कार्यों में कुछ दिक्कतें आ सकती है। यश में कार्य क्षेत्र की हर छोटी से छोटी बात का बारीकी से समझें, बारीकी से ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों आपकी कोई भी पारिवारिक सूचना लीक हो सकती है। कर्मचारियों की हर गतिविधि या फिर क्रियाकलापों पर यश में नजर रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में किसी भी परेशानी में जीवन साथी तथा परिवार सदस्यों का सलाह अवश्य लें। निश्चित ही आपको उचित सफलता मिलेगा, उचित सलाह मिलेगा। आपको बता दें कि यश में प्रेम संबंधों में किसी तरह का मतभेद भी हो सकता है, अपने व्यवहार को सीमित रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें प्रेम संबंधों में गलतफहमी बढ़ने से इसका असर आपकी कार्यक्षमता पर भी दिखेगा। घर परिवार में यश में सामंजस्य और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में विविध लिंगी व्यक्तियों से व्यवहार करते समय अपनी छवि का भी आप अवश्य ध्यान रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर साबित होंगे। दोस्तों यश में वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पुरानी गलतफहमियां दूर होने से नज़दीकियां बढ़ेंगी। दिन दोस्तों ये जो समय है आपके लिए बहुत ही सुकून भरा व्यतीत होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में गले से संबंधित किसी प्रकार का दिक्कत हो सकता है। दोस्तों इन्हें गंभीरता से लें और तुरंत इलाज करवाएं। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि गलत आदतों और गलत लोगों का संगत आपको इसमें छोड़ना होगा तथा वाहन चलाते समय भी आपको लापरवाही बरतनी नहीं होगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों मौसमी बीमारियों से आपको इसमें बचकर रहना चाहिए तथा अपनी दिनचर्या और खान पान को आपको व्यवस्थित रखना चाहिए।
इसके साथ ही दोस्तों यश में आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों अत्यधिक तनाव का असर आपकी कार्य क्षमता पर और फिर आपके मनोबल पर भी पड़ेगा। यश समय को आपको धैर्य के साथ व्यतीत करना है, इस बात का ध्यान रखें। और यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा पीला और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।